गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किया था बेटा, थायलोफाइटा प्लांट स्टार्ट किए थे एल्गी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, हैबिटेट कंप्लीट कर लिए थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया था, पिगमेंट से रिलेटेड भी कंसेप्ट जो था वो कंप्लीट हो गया था। पिगमेंट्स के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, आज वाली क्लास में नए कॉन्सेप्ट देखते हैं उसी एल्गी से रिलेटेड, उसी सीक्वेंस से रिलेटेड, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होगा बेटा, देन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। और जब क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट होगी तो एल्गी का जो पोर्शन है बेटा, यानी जो थैलोफाइटा है, वो क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा की ओर स्विच करेंगे। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जितने भी टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे टाइप जो है एल्गी यानी कि जो थैलोफाइटा प्लांट है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि चाहे वो वेजिटेटिव हो, एज वेल एज एसेक्सुअल हो, और एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, वेजिटेटिव भी शो करते हैं, सेक्सुअल भी शो करते हैं, और एसेक्सुअल, थ्री टाइप्स। मतलब जितने भी आप अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हायर एजुकेशन में जब आप जाओगे तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को एक ही जगह कंसीडर किया गया है, एसेक्सुअल में ही कंसीडर किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी ने अभी यहां पर आपको जो 11th का जो सेक्शन है उसमें वेजिटेटिव को एल्गी में डिफरेंट रखा है और एसेक्सुअल को भी अलग रखा है, जस्ट लाइक फंजाई, जैसे हम लोगों ने फंजाई में रिप्रोडक्शन पढ़े थे। तो यहां पर वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करता है, एसेक्सुअल भी शो करता है और सेक्सुअल भी शो करता है। अगर वेजिटेटिव की बात करें बेटा, तो वेजिटेटिव में दो टाइप्स को ये शो करते हैं, एक तो फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज बाइनरी फ्यूजन। फ्रैगमेंटेशन और बाइनरी फ्यूजन, ये दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव के बेस पर क्या शो करता है बेटा, एल्गी शो करता है। और अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल में, तो एसेक्सुअल में एज लाइक फंजाई ये जूस्पोर और टिम्पैनोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, डिपेंड्स ऑन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में तो जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस में आते हैं तो टिम्पैनोस्पोर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा, तो ऊगेमस, एनाइसोगेमस और आइसोगेमस, ये थ्री टाइप ऑफ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, एल्गी शो करते हैं। तो एक छोटा सा मैंने समरी आपको दिया, एक छोटा सा मैंने समरी आपको बताया कि एक्चुअली में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एल्गी के अंदर में यानी थैलोफाइटा प्लांट में क्या क्या डिस्कस करने हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। अब इन सभी जो भी कॉन्सेप्ट जो भी अभी मैंने आपको बताया, इन सारे कॉन्सेप्ट को अब हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, उसको डिटेल में जाकर के क्या करनी है, स्टडी करनी है। और यहां से जो नीट में आपको क्वेश्चन पूछने देखने को मिलेगा बेटा, वो एक्चुअली इसके एग्जाम्पल से आएगा कि जूस्पोर का फॉर्मेशन कौन करते हैं, या तो क्वेश्चन आएगा कि फ्रैगमेंटेशन कौन से एल्गी शो करता है, बाइनरी फ्यूजन कौन से एल्गी शो करता है, ये क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसका देख रहे हैं भाई, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो एल्गी का। एल्गी का नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा भाई, तो एल्गी एसेक्सुअल भी शो कर रहा है, सेक्सुअल भी शो कर रहा है, और वेजिटेटिव भी शो कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो एल्गी क्या शो करता है, वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव सेक्सुअल, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव में भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैगमेंटेशन। एक्चुअली वेजिटेटिव में क्या होता है, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विल बी कंसीडर, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विल बी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। जितने भी पार्ट है प्लांट बॉडी के, जितने भी पार्ट है सभी के सभी इन्वॉल्व होंगे क्या चीज में बेटा, रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव का मीनिंग ही यही होता है कि पूरे पार्ट, जो भी पार्ट है प्लांट का, वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर वेजिटेटिव में हम डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और ना ही कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूल एग्जामिनेशन आप इजीली आप पास हो सकते हो, और स्कूल एग्जामिनेशन में भी डेफिनेशन कभी नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछे भी जाएंगे तो भी आप इजीली वहां पर लिख सकते हो कि इन वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडीज आर पार्टिसिपेटेड, जितने भी प्लांट बॉडी है सभी के सभी क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वेजिटेटिव टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। यहां पर अगर मैं एल्गी की बात करूं बेटा, तो एल्गी ने यहां पर एक है प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। आपने पढ़ा होगा बेटा 10th क्लास में फ्रैगमेंटेशन, नाम से ही क्लियर है कि जो
बॉडी होती है वो फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाती है। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, बहुत सारे पार्ट में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। आपने 10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्रैगमेंटेशन मींस क्या होता है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी जो है बहुत सारे पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट में जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यहाँ से नीट में एग्जाम्पल क्वेश्चन कहाँ से आएगा बेटा, तो नीट में मोस्टली जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो एग्जाम्पल से आपको शो करने होंगे। नीट में जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। और अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में याद रखना है फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। तो याद रखना है ये जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो अगर मैं एल्गी की बात करूं बेटा, फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर में, तो कौन सा एल्गी आएगा, फिलामेंटस एल्गी। और फिलामेंटस एल्गी में मैंने दो एग्जांपल्स आपको याद करवाए हैं, फिलहाल मैं यूएस से आया हूं। क्या बोला था स्वदेश मूवी में शाहरुख खान, कि फिलहाल मैं यूएस से आया, यानी कि यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा और यूरोथ्रिक्स ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, इन दोनों के अंदर में क्या होंगे, तो फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। अब आपने देखा होगा कि स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और यूरोथ्रिक्स में बैंड शेप और गर्डल शेप। इसी तरीके से मेमोरी को क्या करना है, रिकॉल करना है। जब भी आप किसी चीज को पढ़ो तो उसके बारे में मैंने और आपको क्या पढ़ाया है, उस चीज को जरूर वहां पर रिकॉल करो, ताकि आपको नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब सुनना होगा क्या, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि स्टार्ट से क्या है स्पायरोगायरा और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, तो इसके बीच में स्टार्ट से क्या प्रेजेंट है, तो स्पाइरल शेप में क्या प्रेजेंट है, तो इस टाइप से स्पाइरल शेप में क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट बॉडी प्रेजेंट। यही हो रहा था क्या, यही अपन देख रहे थे इस टाइप से। अब होता क्या है कि जब फ्रैगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होना, तो ये अलग अलग पार्ट में बॉडी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और हर एक बॉडी नई एल्गी बनाने के लिए क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। हो गया रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन फॉर्मेशन, री का मतलब अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन होना। यानी अगर आप अपने जैसा चाइल्ड का फॉर्मेशन फिर से कर लिए, अपने जैसी प्रोजनी का फॉर्मेशन फिर से कर लिए, अपने जैसी बॉडीज की फॉर्मेशन फिर से कर लिए, दैट मींस क्या हो गया, अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोसीड कर दिए बॉडी के अंदर, अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या देखने को मिलता है, जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, मोस्टली फिलामेंटस जो एल्गी होता है बेटा, वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट में वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और हर एक पार्ट नई बॉडी बनाने के लिए क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है फिलामेंटस एल्गी। और फिलामेंटस के अंदर में मैं ऑलरेडी आपको यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा दोनों एग्जांपल्स याद करवा दिया हूं। चलिए सेकंड जो है बेटा वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो यहां पर आता है बेटा वो है आपका वेजिटेटिव के बाद फ्रैगमेंटेशन के बाद आपका एक हमारा हो गया फ्रैगमेंटेशन, और सेकंड आपका हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन। सेकंड वन इज बाइनरी फ्यूजन। अब देखो बाइनरी फ्यूजन आपने पढ़ा होगा कि बाइ का मतलब क्या होता है, टू फ्यूजन मतलब होना डिवीजन, यानी कि दो पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में बॉडी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और वो क्या करती है भाई, नई बॉडी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पर कि बाइनरी फ्यूजन वही ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं। यूनिसेल यानी एक सेल जिसकी होगी वही दो पार्ट में डिवाइड होकर के दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेगा, और दो नए बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, दो नए चाइल्ड का फॉर्मेशन करेगा, दो नए प्रोजनी का फॉर्मेशन करेगा। ये कभी भी मल्टी सेलर में देखने को नहीं मिलेगी। यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा कि यूनिसेलर अगर कोई एल्गी बाइनरी फ्यूजन शो कर रही है, यानी कि वो एल्गी कौन सी होगी, यूनिसेलर। और यूनिसेलर एल्गी का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको याद करवा दी हूं, दैट इज क्लेमाइडोमोनास, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में उसकी स्ट्रक्चर भी बताया था। तो होता क्या है भाई, तो टू पार्ट में बॉडी डिवाइड होगी, बाइनरी फ्यूजन में क्या देखने को मिलेगा, दो पार्ट में बॉडी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैंने इस टाइप से स्पायरोगायरा बताया था, ये क्लेमाइडोमोनास बताया था, ये फ्लैजिला है, आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, कप शेप में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यही मैंने बताया था। ये बॉडी लॉन्गिट्यूडिनली क्या हो जाएगा बेटा, तो ये लॉन्गिट्यूडिनली ये बॉडी डिवाइड हो जाएगा और दो नई बॉडी का क्या करेगा, तो दो नई बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और ये नई बॉडी आगे जाकर के अलग अलग एल्गी का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो बाइनरी फ्यूजन का जो एग्जांपल आपको याद रखना है ना, वो किसका याद रखना है, यूनिसेलुलर एल्गी। या तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो यूनिसेलुलर के अंदर में क्या आते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास। क्या आता है बेटा, क्लेमाइडोमोनास। मैंने क्या बताया कि यहां पर
क्लैमाइडोमोनास है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा आपका रिप्रोडक्शन में वो एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान के चलो फ्रेगमेंटेशन कौन से एल्गी शो करता है भाई, तो फिलामेंटस आपको याद रखना है, F4 फ्रेगमेंटेशन, F4 फिलामेंटस। और फिलामेंटस के दो एग्जांपल फिलहाल में यूएस से आया यूरोथ्रेक्स एंड स्पायर वगैरह, याद करवा दिया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने याद करवाया था। बाइनरी फिजर में क्या याद रखना बेटा, बाइनरी यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी। बाइनरी हमेशा कौन शो करेगा भाई, तो वही ऑर्गेनिज्म शो करेगा जो यूनिसेलुलर नेचर का होगा। यूनिसेलुलर यहाँ पर एल्गी का एग्जांपल क्या है, क्लैमाइडोमोनास। और बाइनरी में भी आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडिनली एंड हॉरिजॉन्टली दो तरह के फिजन होते हैं बेटा, या तो बॉडी ऐसे डिवाइड होगी या तो ऐसे डिवाइड होगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनली होगी या तो हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर मैंने डिवाइड कैसे किया है, लॉन्गिट्यूडिनली। कैसे डिवाइड किया मैंने, लॉन्गिट्यूडिनली ऊपर से नीचे डिवाइड होगा, ना कि ऐसे होगा, विड्थ वाइज नहीं होगा, लेंथ वाइज डिवाइड होगा। तो ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूडिनली। रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है अच्छे से, नो डाउट आपको कोई टेंशन भी नहीं लेना है। 12th में एक चैप्टर ही पूरी की पूरी यूनिट, चार चैप्टर की एक यूनिट ही रिप्रोडक्शन की है, आया समझ में। तो आपको 12th में अच्छे से पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तो फिलहाल हमें इस कॉन्सेप्ट को केवल समझना है और इसके एग्जांपल्स को क्या करना है, याद रखने हैं। दैट्स व्हाई ये अप्रोच आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और केवल एग्जांपल्स को आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हो गया बेटा, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, जिसमें हमने फ्रेगमेंटेशन देखा और बाइनरी फिजन देखा, दोनों का एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है बेटा, वो क्या है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी अब हम लोग कहां पर आते हैं भाई, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें दो चीजें पढ़ना बेटा। अगर मैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो चीजें पढ़नी है। एक तो हो जाएगा कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई है कि अगर एसेक्सुअल है तो यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखना है बेटा। और कंडीशंस क्या है कि या तो सिचुएशन जो होगा वो क्या होगा भाई, तो फेवरेबल होगा। क्या होगा भाई, सिचुएशन फेवरेबल होगा, या तो सिचुएशन जो होगा बेटा अनफेवरेबल होगा। क्या होगा भाई, अनफेवरेबल होगा। तो या तो सिचुएशन फेवरेबल होगा बेटा या तो अनफेवरेबल। फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब क्या है, फेवरेबल यानी जो भी हैबिटेट में मैं रहता हूँ, मतलब मान के चलो मैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं सॉइल पे ही सर्वाइव करता हूँ, मुझे अगर पानी में डाल दे तो क्या मैं कोई काम करूंगा, नहीं ना काम करूंगा, क्योंकि हमारी हैबिटेट है नहीं, वो अनफेवरेबल कंडीशन में हम चले गए। जो सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई, जो सर्कमस्टेंसेस वहां पर क्रिएट हुए, वो कैसा था, अनफेवरेबल था। लेकिन अगर मैं मेरी कंडीशन में रखा जाए तो मैं काम करूंगा, मैं रिप्रोडक्शन करूंगा या तो मैं अदर्स भी काम कर सकता हूं जो मैं एलिजिबिलिटी रखता हूं। तो वैसे ही अगर अगर एलगी जो है बेटा, अगर एलगी फेवरेबल कंडीशंस में है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या शो करेगा, या तो अगर वो अनफेवरेबल कंडीशंस में है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल में बेसिकली ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। हमने वेजिटेटिव में क्या देखा कि पूरी प्लांट बॉडी इन्वॉल्व हो गई और वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, चाहे दो पार्ट में डिवाइड हो जाए या तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी चाहे वो फ्रेगमेंटेशन शो किया, चाहे वो क्या शो किया बेटा, बाइनरी फिजन। लेकिन हम जब एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं तो यहां पर बॉडी क्या फॉर्मेशन करती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती है। चाहे यहां पर याद रख लो पर क्या होगा भाई, तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, स्पोर का इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो कंडीशन बेस्ड होगा। कंडीशन बेस्ड मींस क्या हुआ यहां पर, कि कंडीशन बेस्ड का मतलब है कि ये जो स्पोर है या तो फेवरेबल कंडीशंस में कुछ जनरेट करेगा या तो अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ जनरेट करेगा। यानी कि यहां पर जो स्पोर है, ये स्पोर जो है या तो फेवरेबल में कुछ और बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ और बनेगा। अब सुनना, फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, जूस्पोर। हाँ आपको याद आया भाई, जो फंजाई में आपको पढ़ाया था, फंजाई में मैंने जूस्पोर और एल्पैनोस्पोर, तो अनफेवरेबल में क्या बनाएगा, एल्पैनोस्पोर। एल्पैनोस्पोर जो भी बच्चे अभी तक हमारी वो फंजाई का वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के सारे वीडियो देखें, उसमें फंजाई में मैंने जूस्पोर और एल्पैनोस्पोर दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था। एल्पैनोस्पोर के अलावे इसको हम और क्या बोलते हैं भाई, हिप्नोस्पोर। क्या बोलते हैं बेटा, हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर भी बोला जाता है ना। तो सुनना, मैंने क्या बताया कि फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, जूस्पोर। जूस्पोर का मतलब मैंने
क्या मतलब, जू मतलब एनिमल, और एनिमल चलता फिर चला भाई मोटाइल नेचर का होता है, और मोटिलिटी के लिए ऑर्गेनिज्म को जिसके पास पैर नहीं है और वो अगर कहीं जाना चाहे घूमना चाहे तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, तो उसको फ्लैजिला चाहिए। यानी जू स्पोर क्या होगा भाई, तो जू स्पोर जो होगा वो फ्लैजिलेटेड होगा, यानी कि वैसे एल्गी जो जू स्पोर का फॉर्मेशन करेगा वो एल्गी क्या होगा बेटा, फ्लैजिलेटेड नेचर का होगा, और क्या होगा मोटाइल नेचर का होगा। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट शो करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिज्म। लेकिन एल्पाइनोस्पोर और हिप्नोस्पोर ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्या होगा भाई, नॉन मोटाइल, ये कहीं मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया कि एसेक्सुअल में यानी जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है बेटा एल्गी, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, तो स्पोर फेवरेबल कंडीशन यानी इनके अनुकूल अगर वातावरण होगा तो ये जू स्पोर बनाएगा, और अगर इनके अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो ये एल्पाइनो और हिप्नोस्पोर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इट विल प्रोड्यूस एल्पाइनोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, व्हाइल इट विल प्रोड्यूस जू स्पोर इन फेवरेबल कंडीशंस। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। मैंने यहाँ पर इस दोनों में मैंने एग्जांपल्स को बताया, और यहाँ पर मैंने जू स्पोर मींस क्या होते हैं, एल्पाइनो स्पोर मींस क्या होते हैं, किस कंडीशंस में किस टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होगा एल्गी के थ्रू, ये पॉइंट को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है बेटा वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड हमारा क्या बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट में हम आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, क्रूगेमस, ये थ्री कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैनल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट वीक में आपको थर्सडे को हम लोग मिलते हैं। थर्सडे को मैं आऊंगा और वहां पर वीडियो आपको रिलीज करूंगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी का। थैंक यू वंस अगेन।